नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर। मध्य प्रदेश उज्जैन के तराना जिले से नवागत SDM एकता जायसवाल ने किया नगर का निरीक्षण। व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। जी हां, नवागत SDM एकता जायसवाल ने सोमवार को अपना पदभार संभाला, जिसके बाद बुधवार को SDM जायसवाल द्वारा SDOP रविंद्र बोयट, तहसीलदार सोनम भगत, थाना प्रभारी बाबूलाल चौधरी व नगर परिषद अमले के साथ पूरे तराना नगर का पैदल ही भ्रमण किया गया और व्यापारियों के साथ, ठेले वालों के साथ, सब्जी वालों के साथ, कपड़ा व्यापारियों के साथ साथ अन्य व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने की हिदायत दी। वहीं बिना मास्क पहने दो पहिया वाहन वालों को नगर परिषद अमले से चालानी कार्यवाही करने को भी आदेश दिए हैं। ये थी ताराना से इमरान खान की खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। किया गया है, क्या मामला था और क्या पाया? कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत हुई है इस चीज के रूप में, तो समझ रहे हैं चीजों को, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना, बाजार कैसे चल रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाना, इसके लिए आक्रमण किया है। कुछ हिदायतें दी है? हिदायत मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए। आगे भी क्या प्रक्रिया रहेगी अगर आज आपने भ्रमण किया? आज हम समझाई देंगे, नहीं तो फिर नगर पालिका से जो फाइन होता है स्पोर्ट फाइन होकर। धन्यवाद। साथ निरीक्षण किया है, किस विषय को लेकर क्या और क्या हिदायतें दी गई? कुछ ऐसे जो बाजार की जो समस्या रहती है, जिसका कि सीधे सीधे राजस्व विभाग के अधिकारी से ज्यादा संबंध रहता है, जिससे जुर्माने की कार्रवाई है ये सब, तो हमारा मकसद ये था कि आज उनको पैदल भ्रमण करने से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आज हम साथ में पूरा थाना प्रभारी और SDM जैसे हमारी सुरेखा समझते हैं, सारा हमने पूरे हमले को लेकर हम आज पैदल निकले और उनको हर वस्तु से अवगत भी कराना हमारा उद्देश्य था और बाजार की व्यवस्था को बनाए रखना भी हमारा उद्देश्य था। तो हम उनसे जो हमने सब चीज़ बता दी है, तो उस हिसाब से निर्णय लेंगे। आज ही से फिर रसीद कटना शुरू हुई है, 5 बजे बाद अगर अब कोई भी व्यवसाय खुला रहेगा तो नियमित रूप से सभी की रसीद कटेगी, प्रतिदिन की कार्रवाई रहेगी, एक दिन की नहीं रहेगी। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।